नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। चरौंदा के रेलवे कॉलोनी के अंदर चल रहा है सट्टा। आज जब एटीवी न्यूज चैनल की टीम को पता चला, रेलवे कॉलोनी के अंदर जापानी नामक व्यक्ति सट्टा चला रहा है। एटीवी न्यूज की टीम वहां पहुंची तो जापानी सफेद कलर की चैंपियन गाड़ी के अंदर सट्टा खेलता पकड़ा गया। तो हमने पूछा, सट्टा तो कब का बंद हो चुका है और फिर तुम क्यों चला रहे हो? जापानी ने सीधा बोला कि पेट चलाने के लिए करना पड़ता है। फिर उसने बोला, जीआरपी थाना की टीआई से बात कर लीजिए, वही चलवाती हैं, उनसे ही लेना देना है और हम किसी से फोन से टीआई पूरे बोल लगाकर बुलाया, बात सोचने की है। फिर जापानी ने अपना फोन टीआई पूरे बोल लगाकर बुलाया, बात सोचने की है। सटोरी के पास टीआई के नंबर कैसे हैं और क्यों रखता है? नंबर एक, जब टीआई को सब मालूम है तो कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन उसने उल्टा एटीवी न्यूज की टीम को डराया धमकाया। टीआई ने एटीवी न्यूज के ऊपर कार्यवाही करने का बोलकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठने को बोला। क्या रेलवे पुलिस को सट्टा चला रहे हैं उनकी जानकारी नहीं थी? ये सट्टा का कारोबार काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई अभी तक। पूरी जानकारी वरिष्ठ पत्रकारों को दे दी गई है। पुलिस को मीडिया के साथ मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए, वहां मीडिया के खिलाफ ही कार्यवाही की जा रही है।